आदल से निकाह करते ही राखी सावंत बनी फातिमा। अब एक्ट्रेस को सता रहा है लव जिहाद का डर। वहीं आदल संग निकाह करने के लिए राखी ने अपना नाम भी बदल लिया है। अब वो राखी सावंत से फातिमा बन गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आदिल के साथ अपने निकाह के लिए राखी ने धर्म परिवर्तन किया है और इस शादी के लिए उन्होंने अपना नाम फातिमा कर लिया। हालांकि अब राखी को लव जिहाद का डर सताने लगा है। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी वही ना हो जाए जो आजकल हर तरफ हो रहा है। राखी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की और डॉक्यूमेंट भी दिखाए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कभी ना कुछ छुपाने वाली राखी सावंत ने गुपचुप शादी क्यों की? इसकी क्या वजह थी? जैसा कि सब जानते हैं कि राखी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बात चाहे रितेश से पहली शादी की हो या फिर बिग बॉस से पैसे लेकर बाहर आने की या फिर उनके कॉस्मेटिक सर्जरी की, राखी सावंत ने उनके फैन से कुछ नहीं छुपाया। उनके मन में जो होता है वही उनके जुबान पे होता है। वो सेल्फ मेड है। उन्होंने खुद शेयर किया था कि कैसे वो 50-50 रुपए के लिए शादी में खाना सर्व किया करती थी। राखी ने अपनी पहली शादी में पति का नाम इसलिए छुपाया था क्योंकि रितेश पहले से ही शादीशुदा था और वो दुनिया के सामने राखी को पत्नी के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता था। मगर राखी ने ये सब बता दिया था कि उनकी शादी हो गई है। लेकिन राखी की आदिल संग शादी की बात छिपाने वाली बात उनके फैंस को रास नहीं आ रही है। सबके मन में बार बार यही सवाल खटक रहा है कि उन्होंने आदिल दुरानी संग अपने अफेयर को नहीं छिपाया, तो फिर शादी छिपाने की क्या वजह थी? क्या इसके पीछे का कारण ये है कि आदिल दुरानी मुस्लिम है और वो हिंदू? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार राखी ने खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि 7 महीने पहले ही उन्होंने आदिल संग कोर्ट मैरिज की थी, फिर निकाह किया था। राखी का कहना है कि उन्होंने इस बात को इसलिए छुपाया क्योंकि ऐसा आदिल चाहता था। तो मान लिया जाए कि राखी सावंत लव जिहाद वाले एंगल से डर गई थी। अब राखी को लग रहा है कि आदिल का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने लोगों के साथ अपनी शादी की बात शेयर की है और उन्होंने सबूत के तौर पर अपने और आदिल के निकाह की तस्वीरें भी शेयर की हैं। राखी का कहना है कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है, आदिल का किसी के साथ अफेयर है, जबकि उन्होंने राखी के साथ निकाह कर लिया है और वो निकाह के बाद किसी और के साथ है। आदिल की इसी हरकत को देख कर राखी ने अपनी शादी का सच सबके सामने रखा है। राखी का कहना है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर उनकी माँ बीमार है और उधर आदिल का अफेयर चल रहा है। वहीं आदिल दुरानी ने एक इंटरव्यू के जरिए कहा था कि शादी नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है। एक तरफ राखी सावंत की माँ अस्पताल में है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि राखी ने दुपट्टे को हिजाब की तरह सर पर ओढ़ा है और पेपर पे उनका नाम फातिमा दिख रहा है। तो इससे तो साफ पता लगता है कि राखी सावंत ने निकाह के बाद अपना धर्म और अपना नाम दोनों ही बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।